हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, अपन लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आप सभी लोगों को पता है कि अपना टॉपिक चल रहा है नाउन, जो बिल्कुल अब फिनिशिंग पॉइंट के ऊपर अपन लोग आ चुके हैं। तो एक तो ये मत हो जाना कि आप जल्दी से इसको फिनिश कर दो। फर्स्ट पॉइंट आज का यही मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर अब मैं जाके थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि कम चीजें पढ़ा दूँ, तो जितनी अपन लोगों ने चीजें पढ़ी है उससे कहीं ना कहीं फिर हम लोगों को जितना प्रॉफिट होना चाहिए था वो नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये, जो मैं हर वीडियो के अंदर एक प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बोलना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए मैं ये बात बार-बार बोलता हूं, मेरे को भी अच्छा लगता। अगर कोई बिगिनर इस वीडियो को देख रहा है जो फर्स्ट बार इस चैनल के ऊपर है, गलती से आ गया हो, किसी के प्रेफर से आया हो, तो मैं उसको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आप आए हो यहां पे पढ़ने के लिए, मेरा यही मानना है। तो आप लोग पहले नाउन की, जैसे आज जो अपन लोग क्लास पढ़ने वाले हैं वो क्लास नंबर 10 है, इससे पहले मैं नाउन की 9 क्लासेस पढ़ा चुका हूं, वो आप लोगों को क्लासेस मिलेगी कहां। तो एक तो चैनल का प्लेलिस्ट होता है, आप लोग वहां पे देख सकते हो, नाउन की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई। दूसरा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आई आइकन दिख रहा होगा, आप लोगों को वहां पे भी आप लोगों को नाउन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग डायरेक्ट वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप वो पढ़ लोगे, उनके नोट्स मेंटेन करोगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो पहले से पढ़ रहे हैं, मैं मानता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठ गए होंगे, क्योंकि आप अपन लोग बिल्कुल फिक्स फिक्स एक जो फैक्ट्स है वो पढ़ रहे हैं। एक चीज मैं आज की क्लास चालू करने से पहले बोल रहा, जो मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि नाउन ग्रामर में कोई रूल नहीं होता भाई, जब ये मैथ्स नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंग्लिश इज नॉट ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज को जितना हम लोग पढ़ते हैं उतना ही हम लोगों को आती है। आप सभी लोगों को बताओ, हिंदी जितना अपन लोग बोलते हैं उतनी हम लोगों को आती है। मैथ्स के अंदर अपन लोगों को रूल पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट है। तो ये सारी बातें आप लोगों को पता है। दूसरी बात और, जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि आप लोगों के एग्जाम की डेट आ चुकी है, मैं जानता हूँ आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी, तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। एक चीज और, किसी ने मेरे से पूछा था कि अपन कौन से लेवल तक पढ़ेंगे इस नाउन को, तो बच्चों आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लेना जिसके अंदर नाउन आता हो, चाहे बिल्कुल डी ग्रुप का एग्जाम दे लेना, चाहे आप लोग यूपीएससी जो सीडीएस वगैरह होता है, या जो आईएफएस आईपीएस के अंदर भी आजकल प्रीलिम्स के अंदर एसएससी का मेन सॉरी इंग्लिश का मेन पेपर ऐड कर दिया है, वहां पे भी आप देख लेना नाउन का कोई क्वेश्चन। कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा, मैं नहीं बोलता क्वेश्चन बाहर चल जाएगा, कंसेप्ट बाहर नहीं जाएगा, इन कंसेप्ट में आप लोगों को वहां तक पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो अब अपन लोग देखते हैं आज अपन को क्या पढ़ना है। तो कॉपी पेन लेके आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। देखते हैं आज का पहला पॉइंट अपन को क्या पढ़ना है। तो जब अपन ने लास्ट वीडियो एंड करी थी, तो मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि अब अपन लोगों के नाउन के नंबर पूरा हो गया, जेंडर पूरा हो गया, अब अपन लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, नाउन केस। अब मैं आप लोगों को पहले दो छोटी छोटी बात बोलूंगा, उससे आप लोगों को चीजों को थोड़ा सा समझने में अच्छा लगेगा और आप लोगों को फायदा भी होगा। क्या आज अपन पढ़ने वाले हैं नाउन केस। ये नाउन केस होता क्या है, पहले इस चीज को समझने की कोशिश करना। आज का जो टैगलाइन आप लोग देख रहे होंगे वीडियो का, वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि अपोस्ट्रोफ के रिलेशन अपन लोग कुछ पढ़ने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज अपन लोग जो पढ़ेंगे नाउन केस होता क्या है, कि किसी व्यक्ति का, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले एक बार समझना फिर अपन लोग आगे पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से, या किसी वस्तु का किसी वस्तु से, या किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से, मतलब कि नहीं दो नाउन का, या मैं बोल सकता हूं दो सब्जेक्ट का या दो ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताने के लिए जिन चीजों का यूज किया जाता है, उन लोगों को ही हम बोलते हैं नाउन केस। और उन्हीं को यूज करने के लिए जिन जिन चीजों का यूज होता है, उसमें चाहे अपोस्ट्रोफ भी आता है, उसमें ऑफ भी आता है, उसमें लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजें होती है। तो यहां तक क्लियर है आप लोगों को बात? तो ये आप लोगों के सामने इसकी डेफिनेशन एक लिखी हुई, जो हमने एक बार चीज को समझने के लिए जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है। केस इज नथिंग, ये इट्स गलत लिखा हुआ है भाई यहाँ पे, या तो अपोस्ट्रोफ हट जाओ, इसको हटा देंगे अपन लोग, ये केवल क्या हो जाएगा, केस इज नथिंग इट्स द नेम ऑफ रिलेशन, या केस इज नथिंग इट इज द नेम ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन को बताने के लिए जिन चीजों का यूज किया जाता है वो क्या कहलाता है अपन लोगों का, नाउन केस। कितने होते हैं, कैसे यूज होता है, क्या इनके फैक्ट्स होते हैं, वो अभी अपन लोग पढ़ते हैं। चीजों को समझने के लिए बहुत अच्छे से समझने की कोशिश आप करना। यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, देयर आर फोर टाइप ऑफ केस, यानी केस के कितने टाइप होते हैं। पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, पहला केस लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है नॉमिनेटिव केस, या फिर जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं सब्जेक्टिव केस। दूसरा लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा लिखा हुआ है
वोकेटिव केस और चौथा लिखा हुआ है पजेसिव केस। ये होते क्या है, अब इनकी डेफिनेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। जहां पे डेफिनेशन की जरूरत थी मैंने सबकी बताई है, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ जाओगे, इतना मैं 100% श्योर है। देखो पहले केस जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने वो लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस। होता क्या है, क्या होता है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव केस। सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस। ये दो तो क्लियर है आप लोगों के। अब बचा कौन सा केस, वोकेटिव। एक तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहूंगा, एक बार वोकेटिव पे जाने से पहले आप लोग ये मत सोच लेना कि यहाँ पे मैं नाउन प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना। बिल्कुल नाउन प्रोनाउन के अंदर अटक जाना, और मेरे को लगता है आप लोग नहीं अटकोगे अगर आप लोगों ने पार्ट वन से देखा होगा तो। और मैं मान के चलता हूँ जो देख रहे हैं वो शुरू से ही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब बात आती है से केस के, नेगेटिव केस की, सॉरी वोकेटिव केस की। उससे पहले मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूंगा कौन से केस की तरफ, पजेसिव केस की तरफ। तो पजेसिव केस के लिए आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था माई, अवर, योर, हिज, हर, और किसी के नाम के साथ अपोस्ट्रोफ पेस लगा हुआ हो तो वो क्या कहलाता है, पजेसिव केस। यानी किसी भी चीज के ऊपर खुद का अधिकार बताने के लिए जो पजेसिव जो वर्ड का यूज किया जाता है वो केस कहलाता है आप लोगों का, कौन सा, पजेसिव केस। यहां तक क्लियर है आप लोगों की। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था एक वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर पजेसिव, तो वो उसका मतलब ही अधिकार होता है, तो ये पजेसिव उसी से बना हुआ वर्ड है और इसका मतलब होता है किसी भी चीज के ऊपर अपना अधिकार। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अगर मैं किसी के ऊपर अपना अधिकार बता रहा हूं तो उससे अपना रिलेशन ही तो बता रहा हूं। यहां तक का पॉइंट आप लोगों को क्लियर है। अब बात आती है कौन से केस की, वोकेटिव केस की। तो देखो वोकेटिव केस होता है एज ए, मतलब जिसे मैं बोलना चाहूं तो किसी तीसरे आदमी के लिए बात होने चाहे या फिर मेरे थ्रू किसी और को रेफर करना चाहे। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू मीटिंग, या फिर मैं बात बोलना चाहूं कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके आगे मैं कुछ भी बोलना चाहूं। जैसे आप लोग कोई पूछे आपसे कि कौन आया था, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता रहा हूं, बहुत अच्छे से इसको चीज को समझने की कोशिश करना कि यहाँ कौन आया था। आपने अपनी मम्मी से पूछा, आप घर पे आए तो आपने मम्मी से पूछा मम्मी यहाँ कौन आया था, तो मम्मी ने बोला राहुल केम हियर, कि यहाँ कौन आया था, राहुल आया था। तो उसके जिस बंदे के बारे में बात हो रही है वो राहुल एक नाउन है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को बात किसी का। तो ऐसी चीजों को बताने के लिए जिन चीजों का यूज किया जाता है वो कौन से केस कहलाते हैं आप लोगों के, वोकेटिव केस कहलाते हैं। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा शायद आप लोगों। अब ये मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताया क्या नॉमिनेटिव होता है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या वोकेटिव, क्या पजेसिव। अब अपन चाहता तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख के थोड़ा और टाइम बोल ले सकता था, लेकिन अपना जरूरी नहीं था, मैंने इसलिए नहीं करा। अब अपन लोग आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है केस की नाउन। देखो मैंने आप लोगों को, अब आप लोगों को खुद क्रैक होनी चाहिए कि अपन लोग कौन कौन सी चीजें पढ़ चुके। तो केस के दो पार्ट लिखे हुए, एक लिखा हुआ है लिविंग और एक लिखा हुआ है नॉन लिविंग। अब मैं आप लोगों को लिखा हुआ जो है उसके साथ साथ बोल के बहुत सारी आज मैं चीजें समझाऊंगा, तो आप लोग एकदम ध्यान से आज केयरफुली लिसन करना चीजों को, समझने की कोशिश करना। जो लिविंग चीज है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंफ्यूजन होने से ज्यादा समझने की कोशिश करना। लिविंग थिंग के लिए अब केस पढ़ रहे हैं यानी रिलेशन बता रहे हैं, ये पॉइंट अपना क्लियर है। अगर लिविंग थिंग का मैं रिलेशन बताने की कोशिश करूंगा तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या यूज करने की कोशिश करूंगा, ये जो साइन बना हुआ है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफ और ये लिखा हुआ है एस। तो मैं जो लाइन बोल रहा हूं उसको समझना। लिविंग थिंग का अगर मैं किसी से रिलेशन बताने की कोशिश करूंगा तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसको यूज करूंगा, अपोस्ट्रोफ एस को। लेकिन ये तो हो गई किताबी लैंग्वेज। अब जो दूसरा पॉइंट और करके लिखा हुआ है कि मैं लिविंग थिंग का रिलेशन बताने के लिए किसका भी यूज कर सकता हूं, ऑफ का। ये कैसे है, क्या है, इस पॉइंट को मैं अभी क्लियर कर देता हूं, समझना। ये आप लोगों के सामने एक पॉइंट लिखा हुआ है ऑफ। देखो इस अपोस्ट्रोफ एस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, पहले ये समझो, का, के, की। और ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है इसका भी हिंदी मीनिंग क्या होता है, का, के, की। तो दोनों का सेम ही मीनिंग होता है, अब इनमें डिफरेंट क्या है वो समझना। अपोस्ट्रोफ एस का यूज होता है लिविंग के लिए, ऑफ का यूज होता है नॉन लिविंग के लिए। क्या बोला, अपोस्ट्रोफ एस का यूज लिविंग, ऑफ का यूज नॉन लिविंग। ये तो हो गई एक तरह से अपना फैक्ट, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक लैंग्वेज या एक रूल जिसे बोलना चाहते हो आप लोगों को अच्छा लगता है वर्ड बोलना, मैं इसलिए यूज कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं लिविंग के लिए किसका भी यूज कर दूं ऑफ का, तो
वो क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग के लिए यूज कर दूं अपोस्ट्रॉफ का तो वो एकदम क्या होगा, गलत। यानी एक मैं अब बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पूरी बात को एक समरी टाइप में बोल दूं तो समझना, नॉन लिविंग के लिए यूज होगा ओनली ऑफ का और लिविंग के लिए अपोस्ट्रॉफ एस और ऑस, सॉरी ऑफ बोथ का। ये वाला पॉइंट क्लियर। अब अपन एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। अब आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है राम्स सिस्टर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो इस सेंटेंस की, मैं हिंदी बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता लेकिन इस एग्जांपल को एक बार देखेंगे तो राम सिस्टर्स का मीनिंग क्या हुआ कि राम की बहन। तो अब राम और उसकी बहन का रिलेशन बताने के लिए इस सेंटेंस का यूज किया गया है, शायद यही लिख कहना चाह रही है इसके अंदर। तो हम लोगों को क्या पता ये बहन राम की है, कैसे पता, क्योंकि मैंने राम के साथ किसका यूज कर दिया, अपोस्ट्रॉफ एस का। पॉइंट क्लियर है, राम भी लिविंग है तो अपोस्ट्रॉफ एस का यूज होगा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, सिस्टर ऑफ राम। आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, अभी तक नहीं बताइए, जो भी ऑफ प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस होते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी ऑफ प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस होते हैं उनकी ट्रांसलेशन हमेशा आप लोग पीछे से करना, हमेशा आंसर भी सही निकलेगा, एरर में भी आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। तो ये क्या लिखा हुआ है, सिस्टर ऑफ राम का, मैंने कहा पीछे से करना, तो राम की बहन, और ऊपर वाले सेंटेंस की भी मीनिंग क्या थी, राम की बहन। अब मुझे बताओ दोनों जगह राम लिविंग था तो यहां पे तो मैंने रिलेशन बताने के लिए किसका यूज किया, अपोस्ट्रॉफ एस, और यहां मैंने किसका यूज किया, ऑफ का। और मैंने अभी बताया दोनों जगह ठीक है, लिविंग के लिए अपोस्ट्रॉफ एस और ऑफ दोनों, प्रायोरिटी वो जब तुम्हारे मन में आ रहा होगा प्रायोरिटी किसको, तो प्रायोरिटी अपोस्ट्रॉफ एस को रखनी है। पॉइंट क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द लेग ऑफ टेबल। अब दिमाग लगाने की कोशिश करो, ये लेग तो चलो तुम मान सकते हो ये तो लिविंग थिंग भी हो सकती है, लेकिन ये है किसकी, टेबल की। अब मुझे बताओ टेबल लिविंग है नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के लिए अपोस्ट्रॉफ एस का यूज नहीं होता, किसका यूज होता है, ऑफ का। और हिंदी हम लोग बैक साइड से करेंगे तो हिंदी क्या हो जाएगी, टेबल की क्या, टांगे। तो मैं ये मान गया टांग, आप लोगों को ये पॉइंट, ये एक बेसिक है। अब अपन आगे बढ़ेंगे कि ये कैसे कैसे और चीजों में यूज होता है। तो पहली बात तो अपोस्ट्रॉफ एस और ऑफ का पता चल गया, लिविंग और नॉन लिविंग, यहां तक पॉइंट अगर क्लियर हो तो आप लोग यस नो में रिप्लाई करना ताकि आप लोगों को लगे आप लोग क्लास में ही बैठ के पढ़ रहे हो। अब बढ़ते हैं अपन लोग आगे की तरफ। आगे आप लोगों के सामने लिखा हुआ है नाउन लिविंग। अभी अपन ने, अब तुम बोलोगे लिविंग तो अपन पढ़ चुके, लिविंग के अंदर भी अपन डीप जाएंगे और चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब चीजों को समझना, ये क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, नाउन लिविंग। अब लिविंग चीजें दो होती है, लिविंग यानी नाउन, पहली बात, और नाउन दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर होता है एक प्लूरल होता है। पॉइंट क्लियर यहां तक, जब भी सिंगुलर होगा पहली बात तो सिंगुलर कौन सा होगा, लिविंग होगा। ये चीजें मैच करते हुए और चीजों को समझने की कोशिश करना कि सिंगुलर होगा कौन सा, लिविंग, तो उसके साथ मैं क्या लगाऊंगा, अपोस्ट्रॉफ एस लगाऊंगा। ये अपोस्ट्रॉफ एस सिस्टम का मतलब है कि उसके साथ क्या चीज यूज करूंगा, अपोस्ट्रॉफ एस यूज करूंगा। और अगर वो क्या है, प्लूरल है, कौन सी नाउन, लिविंग नाउन कैसी है, प्लूरल, तो मैं ओनली उसके साथ क्या लगाऊंगा, अपोस्ट्रॉफ लगाऊंगा। यहां पे तो मैं लगाऊंगा अपोस्ट्रॉफ एस और यहां पे मैं लगाऊंगा ओनली अपोस्ट्रॉफ। कहां पे, प्लूरल लिविंग में तो ओनली अपोस्ट्रॉफ, सिंगुलर लिविंग में अपोस्ट्रॉफ पे एस। नहीं आई बात समझ में, एग्जांपल पे आ जाओ, चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, गर्ल्स ड्रेस। अब इसको पढ़ूंगा मैं, देखो मैं पहले आप लोगों को, देखो यहां पे मेरे पास वो पेन टेप नहीं है कि मैं आप लोगों को और चीजें, तो मैं इसलिए समझाने की कोशिश बोल के ज्यादा करता हूं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कोऑपरेट करते हुए समझने की कोशिश करना। मैं आप लोगों को दोनों एग्जांपल पढ़ के बताता हूं। यहां पे मैंने पढ़ा गर्ल्स हॉस्टल, तो मैंने ये जो जी आई आर एल एस और अपोस्ट्रॉफ लिखा हुआ है इसको पढ़ा क्या, सुनना, गर्ल्स, ठीक है। और ये जो जी आई आर एल अपोस्ट्रॉफ एस लिखा हुआ है इसको भी मैंने पढ़ा क्या, गर्ल्स। अब आप लोग बोलोगे पढ़ने में तो दोनों गर्ल्स ही है लेकिन राइटिंग में फर्क है दोनों की, और यही अपन लोगों को पॉइंट समझने की कोशिश करनी है। यानी स्पोकन पे नहीं जाना है, हम लोगों को राइटिंग को देखना और उससे चीज को समझना है। यहां पे मैंने गर्ल के बाद क्या लगा रखा है, अपोस्ट्रॉफ एस, और आगे क्या लिख रखा है, ड्रेस, यानी लड़की की ड्रेस। तो ये आप लोगों को पता चला, कैसे पता चला ये सिंगुलर है, पहली बात तो ड्रेस लिखा हुआ है तो सिंगुलर, दूसरी बात गर्ल के बाद अपोस्ट्रॉफ एस लगा रखा है तो सिंगुलर, यहां तक क्लियर है। अब ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है गर्ल्स हॉस्टल। अब मुझे बताओ हिंदी बोल के खुद कोशिश करो समझने की, लड़की का हॉस्टल होता है या लड़कियों का हॉस्टल होता है, यहां तक पॉइंट, लड़कियों का हॉस्टल होता है तो लड़कियों, पहली बात तो लिविंग है, दूसरी बात नाउन है, तीसरी बात प्लूरल है,
और रिलेशन बताना है गर्ल का और होस्टल का, तो हम लोगों को केस का यूज लिविंग में, ऑफ का बाद में, पहले किसका, अपोस्ट्रोफ का। प्लूरल है तो मैं पहले प्लूरल लिखूंगा गर्ल्स और ओनली क्या लगा दूंगा, अपोस्ट्रोफ लगा दूंगा। तो मैं ये मानता हूं अब आप लोगों को ये पॉइंट समझ में शायद आया होगा। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं बॉयज पार्टी तो कैसे लिखोगे, आप दिमाग चलाओ। बॉयज पार्टी यानी लड़के की पार्टी नहीं, लड़कों की पार्टी, आप खुद समझ सकते हो इस बात को। तो लिखेंगे कैसे, बी लिखना खुद मैं नहीं लिख सकता, आप चीजों को समझना। बी ओ वाई एस, उसके बाद क्या लगाओगे, अपोस्ट्रोफ, और आगे क्या लिख दोगे, पार्टी। अब जैसे यहां लिखा है मैंने बॉयज जींस, यानी मैं एक लड़के की जींस की बात कर रहा हूं, तो यहां पे फिर मैंने बॉय लिखा है और अपोस्ट्रोफ पे क्या लगाया है, एस। तो सिंगुलर में अपोस्ट्रोफ एस, प्लूरल में ओनली क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफ। कब, जब वो केस कैसा होगा, लिविंग होगा। तो ये मैं मानू आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये अपोस्ट्रोफ दोस्तों मैं आप लोगों से एक तरह से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसको पढ़ ही लेना, ये इतना ज्यादा एग्जाम के अंदर आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, जाके आगे चीजें फंसने लग जाती है, कब अपोस्ट्रोफ लगाएं, कब कहां पर लगाएं। तो इसलिए आपको इन चीजों को समझ लेना बहुत अच्छे से, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी चीजें। चलते हैं आप आगे, नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने लिखा हुआ है वही नाउन के अंदर। अब पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा फिर अपन एग्जांपल के ऊपर चलेंगे। दो पॉइंट लिखे हुए हैं, देखो दोस्तों मैंने कोशिश करी है उसको कि थोड़ा सा अलग टाइप में लिख के कि आप लोगों को और थोड़ा हाईलाइट हो सके। एक जगह लिखा हुआ है एस, मैं बोल के भी बता रहा हूँ जो जो लिखा हुआ है समझना, एस 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 एच और एक्स, ये जितने भी लेटर हैं या तो एस या एस एस या एस एच या एक्स, अगर किसी भी वर्ड के एंड में आते हैं तो उसका लास्ट में जो साउंड निकलता है वो निकलता है से का, जो हिंदी वाला से होता है ना, सेब वाला से उसका। तो अगर ऐसे कोई वर्ड, मैं जो चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूं उनको समझने का आप लोग भी उतना ही एफर्ट करना जितना मैं समझाने का एफर्ट कर रहा हूं। क्या कि अगर कोई ऐसे वर्ड जिनको जब मैं प्रनाउंस या प्रनाउंसिएशन करता हूं तो लास्ट के अंदर जो साउंड निकल के आता है वो किसका निकल के आता है, स का, या तो हिंदी में ऐसे या फिर उसके अंदर लास्ट में लगा हुआ है क्या एस या लगा हुआ है डबल एस या लगा हुआ है एस एच या एक्स। तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं ओनली उसके ऊपर क्या लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, ओनली अपोस्ट्रोफ। क्या चीज, जैसे ये एक एग्जांपल समझना आप लोग, अभी अभी अपन पीछे एक एग्जांपल पढ़ के आए थे राम्स सिस्टर, आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा, मैं दोबारा ले चलता हूं आप लोगों को वहां पे। तो देखो राम्स को कैसे लिख रखा है एक बार ध्यान से देखना, राम फिर अपोस्ट्रोफ एस, और रिलेशन सेंटेंस की हिंदी क्या है कि राम की बहन, क्लियर। और एक बार बस आप कुछ ही मत करो लिखा हुआ कैसे राम्स के देख लो अच्छे से। अब चलता हूं मैं जो अभी अपन को एग्जांपल, यहां पे लिखा हुआ एग्जांपल आप लोगों के सामने महेश सिस्टर, देखो चेक करो कुछ डिफरेंट है क्या, बिल्कुल अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो डिफरेंट मिल गया होगा। और वो डिफरेंट यह है कि राम्स के अंदर राम अपोस्ट्रोफ एस था, लेकिन महेश के अंदर ओनली क्या लिखा हुआ है, ओनली महेश और अपोस्ट्रोफ एस नहीं है। तो क्या ये मिसप्रिंट है, नहीं। तो मैंने क्या बोला वो इस एग्जांपल को शायद आप लोग समझ गए होंगे, मैं और अप्लाई कर देता हूं। अब देखो स्पेलिंग के एंड में चेक करो एस एच लिखा हुआ है क्या, देखो यहां पे भी एस एच लिखा हुआ है, यहां पे भी एस एच है, एक पॉइंट है, बोल के देखो महेश, तो स का साउंड आ रहा है कहीं ना कहीं पे। अब आप लोग रटने मत बैठ जाना घर पे कहीं, महेश और सुरेश ये मत करने बैठ जाना, इनकी जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अपन लोगों को ये क्लियर होती जाएगी बात। अभी मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जिन भी वर्ड के एंड में या वर्ड्स के एंड में एस आ जाए, डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए या क्या लिखा हुआ आ जाए, एक्स, ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मेरे को उसका रिलेशन बताना होगा तो मैं ओनली क्या लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफ लगाऊंगा। जैसे एक और एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, क्लास टीचर, हिंदी मीनिंग क्या हुई, क्लास की टीचर। कैसे पता, क्योंकि मैंने अपोस्ट्रोफ लगाया तो काकी की आएगा। अब टीचर और क्लास का रिलेशन बताना था मेरे को, पॉइंट समझ पा रही हो, यस और नो में रिप्लाई करना भैया ना। अब क्लास की स्पेलिंग के अंदर देखो लास्ट के अंदर डबल एस आया, फर्स्ट पॉइंट, बोल के देखेंगे तो लास्ट में से भी आया, तो ऐसी कंडीशन में मैं रिलेशन बताने के लिए ओनली क्या लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफ लगाऊंगा। पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो, शायद यस में रिप्लाई करोगे अगर समझ में आया हो तो। अब इसका रिमेन क्या होता है, तो लिखा हुआ है नॉन एस साउंड, यानी बहुत से वर्ड जैसे अभी राम पढ़ा है अपन लोगों ने, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो वहां पे राम के अंदर देखो ना तो एस है एंड में, ना एस एस है, ना एस एच है, ना एक्स, और बोलने में भी किसका साउंड नहीं आ रहा, एस का। तो ऐसे जितने भी वर्ड जिसमें एस का साउंड नहीं आता वहां पे आप लोगों को क्या लगाना है, अपोस्ट्रोफ एस, अगर रिलेशन बताना हो तो। फॉर एग्जाम्पल मेंस वियर,
तो आप मुझे बताओ, मेंस वियर यानी आदमियों के कपड़े, और ये क्या लिखा हुआ है, वुमेन्स वियर। तो मैं ये मानू आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि एस पॉइंट एस वॉल्यूम क्या होता है और नॉन एस साउंड क्या होता है, कैसे यूज होता है, लिविंग नॉन लिविंग वाला पार्ट। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर होगा तो अपन बढ़ते हैं कहां पे, थोड़ा सा आगे की तरफ। अब दोस्तों ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से अपन लोगों का डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है, तो इसको समझने की कोशिश करना। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में इसको लिखने की कोशिश करी है, आप भी इसको समझने की कोशिश करो। मैं आप लोगों को पहले एग्जाम्पल नहीं, एक बार इसको पढ़ेंगे रीडिंग, फिर मैं एग्जाम्पल करूंगा। तो मैंने लिखा ए प्लस बी अपोस्ट्रोफ एस, यानी मैंने दो लोगों को मिलाया, एक ए को जोड़ा और एक बी को जोड़ा, लेकिन बी के साथ क्या लगाया, अपोस्ट्रोफ एस, तो दोनों से मिलके क्या बना, सी। और आगे लिखा हुआ है क्या, सेम फैमिली। पॉइंट नहीं आया समझे, केवल एक ऐसे लग रहा है मैथ पढ़ने लग गए हो, अब चीजों को अभी मैं बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, ए अपोस्ट्रोफ एस प्लस बी अपोस्ट्रोफ एस, तो उससे बना सी, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अदर फैमिली। अब मैं इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूंगा विद एग्जाम्पल। आ जाओ, एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दो लिखे हुए हैं। तो पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, श्याम एंड अशोक्स मदर। अब मुझे बताओ ये जो मदर है ये किस किस की मदर है, एक तो श्याम की है और एक अशोक की है, कैसे पता हम लोगों को? तो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे ये भी नहीं लिखा हुआ कि ये अलग अलग हैं। और दूसरी चीज मैं जो आपको पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझना, यहाँ पे लिखा हुआ है सेम फैमिली, तो मुझे बताओ जब श्याम और क्या बोलते हैं दूसरा नाम कौन सा था, अशोक, दोनों की माँ एक है या उन्हीं माँ का लड़का है श्याम और अशोक, तो इसका मतलब वो फैमिली सेम है या अलग अलग है, सेम है। आप लोग खुद के ऊपर एक एग्जांपल लेके देखना तो चीज समझ आएगी। तो अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसको समझ, अगर किसी एक ही चीज का रिलेशन या फिर किसी एक फैमिली के दो पार्ट, एक चीज से दो चीजों का रिलेशन बताना और वो चीज दोनों की कोऑर्डिनेट हो यानी उसी से ही रिलेशन रखती हो, तो ऐसी कंडीशन में रिलेशन बताने के लिए मैं बाद वाले के साथ क्या लगा दूंगा, अपोस्ट्रोफ पे एस। अगर पॉइंट क्लियर हुआ हो तो देखते हैं दोबारा उस एग्जांपल को। तो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, श्याम एंड अशोक्स मदर। अब मुझे बताओ ये इसकी हिंदी क्या होगी, श्याम और अशोक की कौन माँ, या फिर यही वाली, यही हुआ शायद इसका ट्रांसलेशन। तो अब मुझे बताओ ये फैमिली सेम है क्या, बिल्कुल फैमिली सेम है। तो फैमिली सेम है, रिलेशन बताने के लिए क्या करेंगे हम, अगर दो चीजों का फैमिली टू रिलेशन बताना हो यानी दोनों एक ही फैमिली से रिलेशन रखते हो, तो मैं ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करूंगा, बाद वाले के साथ क्या लगा दूंगा, अपोस्ट्रोफ पे एस। पॉइंट क्लियर हुआ, यस और नो में रिप्लाई करना भाई, क्लियर है? अब जो दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ उससे हो सकता है आप लोगों को बात और क्लियर होगी। तो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, शाम्स यानी शाम अपोस्ट्रोफ एस एंड अशोक अपोस्ट्रोफ है वाइव्स। ये वाइव्स प्लूरल है भाई, वाइफ डब्ल्यू आई एफ ई होता है, प्लूरल वीई एस हो जाता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कैसे प्लूरल बनाया जाता है। तो अब मुझे बताओ थोड़ा सा मैं मतलब एक फनी टाइप में भी चीजों को समझने की कोशिश कर, शाम और अशोक की वाइफ एक नहीं हो सकती, तो दो है, तो इसका मतलब ये दो अलग सेम फैमिली नहीं हुए, ये क्या हो चुके, दो अलग अलग फैमिली। अब ये मत बोलना ऊपर शाम और अशोक भाई थे तो सेम ही फैमिली, भाई वाइफ सेम नहीं हो सकती तो फैमिली क्या हो गई, अलग। तो अब मेरे को दोनों की वाइफ का बताना है, दोनों की वाइफ का श्याम और अशोक से रिलेशन, तो अलग फैमिली हो गई, तो मैंने दोनों के ऊपर ही क्या लगाया, अपोस्ट्रोफ एस। तो अब मैं आप लोगों को पॉइंट के ऊपर लेके चलता हूं, और अब मैं जो बोल रहा हूं चीजों को समझना, सेम फैमिली के ही दो पार्ट हो, रिलेशन बताना हो, तो बाद वाले के साथ क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफ बोलो एस। और अगर अदर फैमिली या अलग अलग फैमिली के दो पार्ट हो, दोनों का ही रिलेशन बताना हो, तो मैं दोनों के ऊपर क्या लगा दूंगा, अपोस्ट्रोफ एस। मैं ये मानता हूं आप लोगों को पॉइंट क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से मैंने भी समझाने की कोशिश करी विद एग्जांपल, आपने समझने की कोशिश करी होगी। बढ़ते हैं अपन लोग आगे की तरफ। अब आप लोगों के सामने लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि अपोस्ट्रोफ के छोटे मोटे यूजेज कैसे होते हैं, छोटे मोटे नहीं है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके अलावा भी अपन लोगों को पढ़ने हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट। मैंने आज क्लास स्टार्ट करने से भी पहले कहा था, ये जो किताबों की आप लोग रूल रट लेते हो, मैं किसी किताब की यहाँ तारीफ भी नहीं करूंगा कभी, ना बुराई करूंगा, जो पढ़ते हो वो बेस्ट है, इस नंबर आनी चाहिए केवल एग्जाम के अंदर। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये लैंग्वेज है, यहाँ पे कोई रूल काम नहीं करेगा। अब जो पॉइंट अपन पढ़ते हैं, बातें कम करेंगे पढ़ेंगे ज्यादा। तो पॉइंट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अपोस्ट्रोफ एस इज यूज्ड। देखो जो लिखावट है उसको थोड़ा सा राइटिंग को समझने की कोशिश करना, अपोस्ट्रोफ एस लिखा हुआ है वो, है ना, अपोस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विद टाइम, वेट,
डिस्टेंस स्पेस एनिमल्स प्लेस एंड कंट्री शोइंग वर्ड्स, यानी ऐसे वर्ड्स जिससे शो होता हो किसका, टाइम का, किसका, वेट का, डिस्टेंस का, स्पेस का, एनिमल्स का, प्लेस का एंड कंट्री का, उन वर्ड्स के साथ मैं क्या लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफ एस। लेकिन अपोस्ट्रोफ एस लगाऊंगा कब, जब मेरे को उनका क्या बताना होगा, किसी के साथ रिलेशन। फॉर एग्जांपल, ये वाले एग्जांपल पे चलो, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। क्या लिखा हुआ है, संडेज पार्टी। अब मैं थोड़ा सा चीजों को घुमाता हूं और आप चीजों को समझ लो। देखो, पार्टी एक नाउन है, यहां तक क्लियर है, और संडे भी एक नाउन है। सर कैसे पता, तो फिर नाइन क्लासेस में अपन ने पढ़ा क्या, अगर ये भी नहीं पता तो, है ना। तो दोनों चीजें नाउन है, दोनों को मैं लिख दूं संडे पार्टी, कोई मैं नहीं कह सकता क्या संडे है क्या पार्टी क्या रिल। लेकिन जैसे ही मेरे को उन दोनों को मिलाना है, रिलेशन करना है, तो मैं देखूंगा लिविंग और नॉन लिविंग। लेकिन यार लिविंग नॉन लिविंग की बात खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने अपन ने पॉइंट पढ़ लिया है, मैंने नहीं अपन ने पॉइंट पढ़ लिया कि यहां पे देखो कहां लिख गया, लिखा हुआ टाइम वेट डिस्टेंस स्पेस एनिमल प्लेस एंड कंट्री। तो देखो टाइम दे रखा है पार्टी का कि कब की पार्टी है, तो वो पार्टी कब की है, संडे की पार्टी है। और अगर वैसे ही अगर ये थोड़ा सा आपको लोग लग रहा हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लेना डे, यहाँ पे डे नहीं लिखा हुआ, कंट्री एंड डे कर लेना, प्लेस कॉमा कंट्री एंड डे, यानी डे के नाम से पहले संडे मंडे, इनसे पहले भी यानी इनके बाद भी हम क्या लगा सकते हैं, apostrophe s, अगर हमको किसी का उनके साथ क्या बताना हो, रिलेशन। तो एक बार इस एग्जांपल पे चलते हैं अपन लोग, क्या लिखा हुआ है, 16 आवर्स मीटिंग। तो मीटिंग कितने घंटे की, 16 घंटे की। अब पता कैसे चलेगा, तो 16 आवर, अब मुझे बताओ ये किसी टाइम को बता रहा है क्या, तो टाइम को बताने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, apostrophe पे s। टाइम को बताने के लिए apostrophe s नहीं, गलत चीजें मत सीखो। टाइम को किसी से रिलेशन करना है तो रिलेशन के लिए जो हम यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, apostrophe s का। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट, आ जाओ कंट्री पे भी चल देते हैं। तो क्या लिखा हुआ, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो मेरे हिसाब से तो गलत है वैसे तो, अभी ग्रोथ कहाँ कर रही है, अभी तो नेगेटिव ग्रोथ कर रही है शायद, है ना, या जो भी बातें हैं अपन उधर नहीं जाते, अपन चीजों को समझेंगे। तो इंडिया एक कंट्री का नाम है, और इंडिया कंट्री के नाम को हम लोगों को रिलेशन करना है किससे, इकोनॉमी से। तो उसको रिलेशन करने के लिए हम लोगों को केस का यूज, और केस का यूज कौन सा, apostrophe s। तो मैं मानता हूं आप लोगों को पॉइंट समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और पढ़ने की कोशिश करते हैं, और हम लोगों को कौन से पॉइंट पढ़ने हैं, मेरे साथ साथ देखते जाना। मैं आप लोगों से, जो भी बच्चे केवल पढ़ने के मोटिव से वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नोट्स अपने मेंटेन करते रहना। स्टेनोग्राफर वालों, पेपर आ गया। CHSL वालों, आप लोगों का पेपर एकदम गेट के ऊपर खड़ा है। CGL वालों, बिल्कुल टाइम भूल जाओ कि अब हमारे पास टाइम बचा है। CPO वाले, मेरे पास कई स्टूडेंट का मैसेज था, सर हमारी अभी डेट ही नहीं है, हम क्यों पढ़े। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो रियल एस्पिरेंट होते हैं उनको डेट से कभी मतलब नहीं होता, वो केवल एक अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। वो ये सोचते हैं जिस दिन पेपर आएगा उसी दिन मैं क्रैक कर लूंगा। और आप लोग ये हैं कि पेपर से 2 महीने पहले पढ़ने बैठते हैं, फिर पेपर की बात बोलते हैं हमको टाइम कम मिला। तो बहाना आप लोगों ने खुद ने क्रिएट कराया अपने लिए, तो मैं ये मानूंगा। और इस टाइम जो अब कंडीशन है, केवल इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड को देखते हुए, तो अब पता चल रहा है लोगों को कि केवल एक अच्छी चीज है तो वो है गवर्नमेंट जॉब। तो अब आप लोग ये मौका बिल्कुल मत गवाना, बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, apostrophe s इज यूज विथ पर्टिकुलर idioms एंड phrases, कि apostrophe s का यूज होता है कुछ पर्टिकुलर idioms एंड phrases के साथ, जिसके अंदर पहला एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है पेंस एविल। ये इस एविल वर्ड का मतलब भाई आप लोगों को पता होना चाहिए, गलतियां से रिलेशन होता है। तो पेंस एविल का मतलब क्या होगा, आप लोग खुद दिमाग चलाओ। एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस, यहां तक क्लियर है। ये थ्रो की स्वेलिंग गलत है भाई, THROW आएगा यहाँ पे, इसको सही कर लेना आप लोग। मैं भी कोशिश कर देता हूँ सही करने की, लेकिन आप ज्यादा कोशिश करना क्योंकि आप लोगों को लिखना है। थर्ड एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एट
लेंथ, आर्म्स लेंथ। इस आर्म्स लेंथ का मतलब आप लोगों को इडियम्स याद होनी चाहिए भाई। इडियम याद नहीं है तो आप लोग वो भी अपने चैनल पे याद कर सकते हो कि कैसे इडियम को भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो पहली इडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, पेन से विल, जिसका मीनिंग होता है कलम से हुई हुई भूल। एट स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है जरा आप लोग बता के सोच के कमेंट करना अगर आप लोगों को याद हो। थर्ड इडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, एट आर्म्स लेंथ, जिसका मीनिंग होता है दूरी बनाए रखना। ये इडियम आजकल बहुत ज्यादा आती है पेपर्स के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है। अब अपन इसको पॉइंट को समझ लेते हैं अपन सोशल डिस्टेंसिंग से ज्यादा, कि अपोस्ट्रोफ एस का यूज किया जाता है कब, पर्टिकुलर इडियम्स एंड फ्रेजेज के साथ। तो कौन कौन सी जैसे इडियम्स लिखी है, जैसे क्या लिखा है, पेन से विल। अब देखो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये पेन तो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफ एस, या पेन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं किया। दोस्तों समझने की कोशिश करना, ये पूरी इडियम ही है। तो ये कुछ इडियम्स ऐसी होती है जिसके अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का। अब ये एग्जाम के अंदर एरर कैसे बनाती है, तो क्या करता है, मान लो कोई सेंटेंस ऐसा कहना चाह रहा है जिसके मीनिंग के अंदर वो लिख देगा एट आर्म्स लेंथ। अब अपन लोग क्या सोचते हैं कि आर्म तो नॉन लिविंग है, भुजा, भुजा लिविंग नहीं है भाई। पहले तो एक चीज ये ध्यान रखना आप लोग कि हाथ को अपन अलग कर देंगे फिर देख लेना वो कुछ ही काम नहीं कर सकता। तो और उसके साथ अपोस्ट्रोफ एस, यही एरर नहीं, ऐसे एरर फाइंड नहीं करनी है। कैसे करनी है, तो जस्ट आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होने वाला है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आज की क्लास में इसको खत्म करके और नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस की, लेकिन मैं जल्दी नहीं पकाऊंगा। अगर बच्चे का तो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस इज यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन। अब ये आप लोगों ने जो आज ही पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पिछली क्लास से ध्यान से नहीं पढ़ी उनको लग रहा होगा ये कंपाउंड नाउन क्या आ गया, और जिन्होंने पढ़ाया उन लोगों को मुस्कान आनी चाहिए चेहरे पे, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि क्या होता है कंपाउंड नाउन, और कंपाउंड नाउन के साथ किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का। तो क्या लिखा हुआ है, योर फादर इन लॉ, लॉ के ऊपर क्या लगा रखा, अपोस्ट्रोफ एस। अब जिनके थोड़ा सा मन में डाउट होगा उनको याद आ रहा होगा लॉ के साथ तो अपोस्ट्रोफ एस लगता ही नहीं है, ये प्लूरल बनाने के लिए नहीं लगा है। प्लूरल बनाना होता तो मैं किसके साथ लगा था, जरा आप लोग बताओगे किसके साथ लगता। लेकिन अगर मेरे को रिलेशन क्या लिखा हुआ, योर फादर इन लॉज बिहेवियर इज नॉट गुड, कि आपके जो फादर इन लॉ है, ससुर है, उनका बिहेवियर कैसा नहीं है, गुड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में मैं किसके ऊपर लगाऊंगा, लॉ के ऊपर। पॉइंट क्लियर, यस और नो के अंदर रिप्लाई करते रहना भाई, क्योंकि मैं ये कंपाउंड नाउन पूरा पढ़ा चुका हूं, मैं रिवाइज नहीं कराऊंगा, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो आप लोगों को याद नहीं हो तो या तो जाके दोबारा देखो, या आपने जो नोट्स मेंटेन करना उससे चीजों को समझने की कोशिश। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं अपन लोग आगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है। अब ये मैं आप लोगों को आज बस ये पॉइंट ही पढ़ने हैं अपन लोगों को, फाइनल पॉइंट्स हैं थोड़े बहुत, तो इनको समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाऊंगा भी खुद और आप लोग समझना भी। क्या लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफ एस इज अटैच्ड विद समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, और ईच अदर और वन अनदर। जैसे समवन, जैसे आप लोग बोलते हो ना कि ये किसी का मकान है, तो someone's house, तो as somebody, no one, nobody, everyone, everybody, anyone, anybody, one another, और each other, ये कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। अगर इन वर्ड को सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं हमेशा अपोस्ट्रोफ। अगर इनको मेरे को किसी से रिलेशन करना होगा तो रिलेशन करने के लिए जो मेरे को अप्रोच लगानी पड़ेगी वो अप्रोच क्या लगेगी, कि मैं इनके साथ क्या चिपका के भेज दूंगा, अपोस्ट्रोफ एस। लेकिन अब नीचे एक नोट करके बात लिखी हुई है, इस पॉइंट को समझना है, क्योंकि एक्सेप्शन है, नोट यानी एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन ज्यादा आते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो समझना। व्हेन द वर्ड एल्स, इस एल्स को आप लोग हाईलाइट करके लिख लो, समझना। व्हेन द वर्ड एल्स इज यूज आफ्टर दीज वर्ड्स, यानी इन सभी शब्दों के बाद, कौन कौन से, समवन से लेकर और कहां तक, ईच अदर तक, इन सभी शब्दों के बाद अगर कभी यूज हो जाए कौन से वर्ड का, एल्स का। अब ये थोड़ी सी चीजें क्रिटिकल हो जाती है, आप लोगों को लग रहा है थ्योरेटिकल, मैं आप लोगों को समझाता हूं, पहले समझना। अगर समवन लिखा हुआ है एग्जांपल में और उसका रिलेशन बताना है, तो मैं किसके साथ अपोस्ट्रोफ लगाऊंगा, समवन के साथ अपोस्ट्रोफ पे एस। लेकिन वहां पे लिखा हुआ है समवन एल्स और फिर मेरे को उसका रिलेशन बताता है किसी से, तो मैं वहां समवन के साथ अपोस्ट्रोफ नहीं लगाऊंगा, किसके साथ लगाऊंगा, एल्स के साथ। अब मुझे लगता है आप लोगों को पॉइंट थोड़ा अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एग्जांपल देखते हैं अपन लोग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के साथ। अच्छा
ये जो नोट था वो आप लोगों का दोबारा लिखा हुआ है, व्हेन द वर्ड एल्स इज यूज्ड, तो आप लोग वही चीज है, ये जो नीचे नोट लिखा हुआ है आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा वही नोट दोबारा है। आप लोग अब इसको एग्जांपल देखते हैं, अपन लोग एग्जांपल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम, यानी बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड ईच अदर्स प्रॉब्लम, हम सभी या हम दोनों ही समझते हैं प्रॉब्लम, ईच अदर्स प्रॉब्लम, एक दूसरे की प्रॉब्लम को हम समझने की कोशिश करते हैं, ईच अदर एक दूसरे के लिए यूज होता है भाई, दो लोगों के लिए ना। अब मुझे बताओ बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड प्रॉब्लम को और अंडरस्टैंड को रिलेशन करने के लिए मैंने एक यूज करा वर्ड किसका, ईच अदर का, लेकिन दोनों को कंबाइंड करना था तो केस का यूज करा, तो अभी अपन ने पढ़ा कि ईच अदर सेंटेंस में यूज होता है। मैं चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा समझने की कोशिश करो कि ईच अदर यूज होता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसका रिलेशन बताना होगा तो मैं उसके साथ क्या लगा दूंगा, अपोस्ट्रोफ एस, बिल्कुल एग्जांपल क्या है ठीक है भाई, कोई नहीं कह सकता गलत। नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ, आई लाइक somebody's, somebody के साथ अपोस्ट्रोफ एस, else सजेशन, और नेक्स्ट लिखा हुआ आई लाइक somebody else's सजेशन। अब मुझे बताओ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड राइट है या थर्ड राइट है, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि एग्जाम्पल कौन सा राइट है, थर्ड, क्योंकि जब somebody के साथ कौन सा वर्ड आ जाए else तो somebody के साथ नहीं लगता क्या किसके साथ लगता है, else के साथ। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जब तक आप मुझे नहीं बताओगे कि हम लोगों को प्रॉब्लम है तो मुझे भी पता नहीं चलेगा। पॉइंट क्लियर और नॉट, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस इज यूज विद पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये पर्सोनिफाइड क्या हो गया, तो इसीलिए मैंने अपना गला खराब कर करके आप लोगों को नहीं सिखाया था पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। जिन जिन ने पढ़ा उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि पर्सोनिफिकेशन कैसे होता है, कि नॉन लिविंग को एक लिविंग से रिलेशन कैसे किया जाता है, तो वहां पे भी हम लोग किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफ एस का। दोस्तों ये तो इन एग्जाम्पलों को पढ़ोगे तो उससे समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है, लव्स पावर। ये देखो ये एग्जांपल लिखा हुआ सन्स रेज, तो अब मुझे बताओ ये सन का रिलेशन अपन लोगों ने पढ़ चुके हैं ना भाई यहां पे। दूसरा क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, मून्स नेचर। अब आगे पर्सोनिफिकेशन अपन लोग पढ़ चुके हैं तो समझने की कोशिश करना कि ये मून लिविंग है नॉन लिविंग है, इसके मेरे को जाना ही नहीं है। तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट वो होते हैं, अगर नहीं भी ध्यान है मैं दोबारा बता दूं, जिनकी हम लोग कंपैरिजन किससे भी कर सकते हैं, लिविंग से भी कर सकते हैं, तो उनको अगर रिलेशन करना है तो मैं इसका यूज करूंगा अपोस्ट्रोफ एस का। तो मैं मान के चलूं ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, क्यों इतनी जल्दी पॉइंट क्लियर, क्योंकि ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं और अपोस्ट्रोफ एस मैंने अभी बता दिया, तो पॉइंट क्लियर। चलते हैं थोड़ा सा आगे, दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अपोस्ट्रोफ एस इज नॉट यू नॉट बी यूज्ड विद समथिंग नथिंग एनीथिंग एवरीथिंग। यानी देखो आप थोड़ा सा चीज, समवन के साथ क्या लगेगा अपोस्ट्रोफ एस, लेकिन समथिंग के साथ क्या नहीं लगेगा अपोस्ट्रोफ एस। नो वन के साथ क्या लगेगा अपोस्ट्रोफ एस, लेकिन नथिंग के साथ क्या नहीं लगेगा अपोस्ट्रोफ एस। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है, पहला समथिंग, दूसरा नथिंग, तीसरा एनीथिंग और चौथा एवरीथिंग। अब जो क्वेश्चन रेज होता है वो क्वेश्चन रेज ये होता है कि अगर हमको इनका भी किसी से रिलेशन करना हो तो कौन सा वर्ड यूज करें, तो बताओ रिलेशन के लिए दो ही है, या तो अपोस्ट्रोफ एस, दूसरा जल्दी बोलो ऑफ। तो यही तो लिखा हुआ है, इन द केस ऑफ शुड बी यूज, यानी इन केसेस के अंदर हम किसका यूज करेंगे ऑफ का, कौन से केसेस में आवाज आनी चाहिए मेरे तक, पहला समथिंग, दूसरा नथिंग, तीसरा एनीथिंग और चौथा एवरीथिंग। तो पॉइंट क्लियर और नॉट, अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो यस और नो में रिप्लाई करते रहना। बढ़ते हैं अपन लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ, आगे अच्छा एग्जांपल आएगा, हाँ भाई भूल गए थे अपन, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, एवरीथिंग्स ब्यूटी इज, आगे क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, पेरिशेबल, और दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज पेरिशेबल। अब आप लोग बताओगे मेरे को कौन सा एग्जांपल ठीक है और कौन सा गलत है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो एग्जांपल कौन सा सही है, सेकंड सही है और गलत कौन सा है, फर्स्ट क्यों गलत है, जल्दी देखो, एवरीथिंग के साथ यूज नहीं होता किसका, अपोस्ट्रोफ एस का। रिलेशन बताना हो तो फिर क्या लगाएंगे, जल्दी बोलो ऑफ का, और अभी मैंने बताया ऑफ वाले सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन कहां से करोगे, पीछे से, तो एवरीथिंग इज सॉरी द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग इज पेरिशेबल। तो यहां तक आप लोगों की क्या है, बिल्कुल पॉइंट क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट कि नो नथिंग समथिंग एनीथिंग और एवरीथिंग के साथ क्या नहीं लगता, अपोस्ट्रोफ एस क्या लगता है, ऑफ लगता है। पॉइंट क्लियर, बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ।
भाई चीजों को समझते जाना, ऐसे मत सुनना जल्दी पढ़ रहे हैं लेट पढ़ रहे हैं। मेरी स्पीड वही है जो फर्स्ट क्लास के अंदर थी। हाँ तो आप लोग चीजें समझना। एक पॉइंट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, द एडजेक्टिव। ये अपोस्ट्रोफ बहुत काम का है, इसलिए इसके अंदर फैक्ट भी थोड़े ज्यादा है, और जो पढ़ने वाले होंगे वो मेरे को नहीं लगता कि कोई बोर है या ज्यादा है। जब चीजें ज्यादा है तो ज्यादा पढ़नी पड़ेगी, कम पढ़ोगे ना नंबर भी कम रह जाएंगे। अगर किसी के मन में आ रहा हो ज्यादा पढ़ रहे हैं तो फिर ध्यान रखना नंबर की भी तुम जिम्मेदार हो। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि दा के साथ कोई भी एडजेक्टिव लगाता हूं तो वो बन जाता है प्लूरल कॉमन नाउन। याद करके देखो, द रिच, द ब्रेव, द पुअर, द बेल्ड, ऐसे एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताए थे। और मन में एक बार रिप्लाई करना, एक क्वेश्चन पूछता हूं, इनके साथ वर्ब कैसी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। एक चीज और, इनके साथ कौन सा वर्ड नहीं लगता? पीपल वर्ड नहीं लगता। याद है या नहीं है? मैंने सारे पॉइंट पढ़ाए थे बहुत अच्छे से। तो इनके साथ क्या लिखा हुआ, अब अपन आज की चीज पढ़ लेते हैं कि द प्लस एडजेक्टिव बनता क्या है प्लूरल कॉमन नाउन। ये तो पहले की बात है। इनके साथ क्या नहीं लगता? अपोस्ट्रोफ शुड नॉट बी यूज्ड। तो एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? द रिचेज लाइफ। बताओ सही है गलत है? अरे भाई बिल्कुल गलत है। अब सही करके क्या लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? द रिच लाइफ। बस यही, इनमें ऑफ भी नहीं लगेगी। ये भी ध्यान रखना, ऑफ भी नहीं लगेगा, केवल क्या रहेगा? द रिच लाइफ। सॉरी, सही करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को? ऑफ लगाना हाँ पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताता हूं, मैंने दो चीजों को जो बोल रहा हूं उनको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। गलत एग्जांपल क्या है? द रिच लाइफ। तो रिच के साथ अपोस्ट्रोफ एस नहीं आता तो ये गलत हो गया, बिल्कुल ठीक है। सही करके क्या लिखेंगे? तो मैं अब आप लोगों को जो बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना, ताकि आप लोग किताबों में नहीं फंस जाओ। मैं दोनों फैक्ट बता देता हूं आप लोग। आप इसको पहला सही करके क्या लिख सकते हो? द रिच लाइफ। कोई आप लोगों को नहीं बोल सकता गलत है एग्जांपल, बिल्कुल क्या है ठीक। कौन सा? द रिच लाइफ। दूसरा क्या बोल सकता हूं मैं? द लाइफ ऑफ द रिच। ये भी बिल्कुल क्या है ठीक। तो अब पॉइंट क्या बना कि द एडजेक्टिव वालों का रिलेशन बताने के लिए या तो मैं ना तो अपोस्ट्रोफ का यूज करूं ना ऑफ का, डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे एक एग्जांपल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, द पुअर लाइफ, बिल्कुल क्या है ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। और इसी को मैंने क्या लिख दिया? द लाइफ ऑफ द पुअर। ये भी बिल्कुल क्या है ठीक है। तो मैं मान के चलूं आप लोगों को पॉइंट क्लियर। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। द प्लस एडजेक्टिव वालों को रिलेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं किया जाता। सही करने के लिए या तो विदाउट अपोस्ट्रोफ यूज करो या फिर आप लोग क्या भी लगा सकते हो, ऑफ। दोनों ही चीजें बिल्कुल क्या होती है ठीक। पॉइंट क्लियर है। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? वो लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस इज नॉट यूज्ड विद पब्लिक, विलेज एंड सिटी। ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी फंसाने वाली बात आ गई। क्यों? मैं आप लोगों को पीछे लेके जाना चाहता हूं एक बार, और जल्दी से अपन लोग पीछे चलेंगे और चीजों को समझेंगे। तो वो पॉइंट कहां गया अपन लोगों का? ये भी नहीं था, दैट इज नॉट, ये भी नहीं था। अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, जितना मेरे को रिमेन है अपन लोगों ने आज की क्लास का जो फर्स्ट पॉइंट था उसी के अंदर। हाँ ये आ गया अपन लोगों। एक बार इस पॉइंट को जल्दी से आप लोग दोबारा नजरें फिरा लो इसके ऊपर, जो वर्ड के ऊपर एक प्लेस लिखा हुआ है, इस प्लेस को ही अंडरलाइन कर लो। अभी अभी आप, मैंने पहले ही पढ़ाया था आज की क्लास के अंदर, और मैं अभी अभी अपनी बात पे कायम हूं कि प्लेस के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफ एस का। क्लियर है? अब मैं चलता हूं आगे की तरफ, आप लोगों को पता चलेगा मैं पीछे क्यों लेके आया था जो अपन सारी चीजें पढ़ चुके, ताकि आप लोग खुद चेक कर सको कि कैसे चीजें पलट जाती है और कैसे चीजें घूमती है आप लोग, ताकि खुद फंस के नहीं रहो कहीं पे भी। तो अब अपन लोग चलते हैं, वो पॉइंट ये आ गया। अब आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है अपोस्ट्रोफ एस इज नॉट यूज्ड विद पब्लिक, विलेज एंड सिटी। अब आप बोलोगे प्लेस में विलेज और सिटी का क्या डिफरेंट आ गया? तो मैं अब आप लोगों को जो बोल रहा हूं उसको समझना, मैं बिल्कुल आप लोगों को इजी लैंग्वेज में बताऊंगा और वहीं से आप लोगों को क्लियर होगा। देखो विलेज का अगर नाम दिया हुआ हो ना तो वो एक प्लेस बन जाता है, चीजें समझ रहे हो? यस और नो में डिफरेंट। विलेज का नाम दिया हुआ, कोई भी विलेज आप कैसा भी, जैसे अपने पास में एक विलेज है, अगर मेरे को नाम याद आ रहा है, जैसे कोई भी विलेज ले लो यार, झोटवाड़ा, खातीपुरा, किसी को ही मान लो आप, तो विलेज, सिटी ले लो, अगर किसी भी सिटी का नाम दिया हुआ है, झोटवाड़ा, वैशाली, मुरलीपुरा, पता नहीं कौन कौन सी, विद्याधर नगर या जो भी दिया हुआ है, सिटी का नाम दिया हुआ है उसका रिलेशन बताना है तो मैं उसके साथ क्या लगाऊंगा? अपोस्ट्रोफ पे एस। लेकिन ओनली लिखा हुआ है क्या? सिटी। ओनली क्या लिखा हुआ है? विलेज। ओनली क्या लिखा हुआ है? पब्लिक। तो इनके साथ मैं क्या नहीं लगाऊंगा? अपोस्ट्रोफ
एस। पब्लिक प्लेस, केवल क्या लिखा हुआ है, पब्लिक प्लेस, तो मैं उसके साथ क्या नहीं लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफ एस। लेकिन उस पब्लिक प्लेस का नाम दे दिया, सपोज करो उस पब्लिक प्लेस का नाम कोई भी स्टैचू सर्किल दे दिया, तो फिर मैं वहां पे क्या लगा सकता हूँ, अपोस्ट्रोफ पे एस। तो पॉइंट क्लियर और नॉट कि पब्लिक प्लेस के साथ क्या नहीं लगेगा, अपोस्ट्रोफ एस, लेकिन पब्लिक प्लेस का नाम दे दिया तो मैं क्या लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफ पे एस। विलेज के साथ क्या नहीं लगेगा, अपोस्ट्रोफ एस, लेकिन अगर विलेज का क्या दे दिया, नाम, तो मैं उसके साथ क्या लगाऊंगा, अपोस्ट्रोफ पे एस। ये पॉइंट क्लियर है, ऐसे ही सिटी वाला। तो ये एग्जांपल लिखे हुए पब्लिक प्लेस क्या है, गलत। सही करके क्या लिखूंगा मैं, पब्लिक प्लेस। यहां तक क्लियर है। और दूसरा सही कर तरीका लिखने का क्या था, जल्दी बताओ, प्लेस ऑफ पब्लिक। क्लियर है, यहां पे क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, सिटीज लाइफ, गलत। सही करके क्या लिखूंगा, सिटी लाइफ। पॉइंट क्लियर और नॉट। यहां तक की बात आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ताकि आप कंफ्यूजन नहीं रहो, मैं इसलिए आप लोगों को डीप से बिल्कुल पढ़ाने की कोशिश करता हूं। बढ़ते हैं आगे। अब आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, चीजें समझ लो। तो वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, डबल अपोस्ट्रोफ शुड नॉट बी यूज टूगेदर, यानी कभी भी सेंटेंस में कितने अपोस्ट्रोफ नहीं आएंगे, डबल। अब मैंने 100% नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि इसमें एक एक्सेप्शन बनता है, वो मैं पढ़ाऊंगा क्या एक्सेप्शन है, पहले इस पॉइंट को समझो। तो डायरेक्ट एग्जाम्पल पे चलता हूं, तो मैं क्या लिखा हुआ है, मोहन्स वाइफ्स पेरेंट्स, हिंदी करेंगे एक बार, मोहन की वाइफ के माता पिता। अब देखो का के मेरे सेंटेंस में कितनी बार आए, दो बार, यानी दो बार मेरे को कुछ ना कुछ तो का के लिए यूज करना पड़ेगा, का के लिए होते ही दो, या तो apostrophe s या फिर of। सही करके क्या लिखूंगा, तो मैंने वो क्या लिखा, parents of Mohan's wife। क्लियर है, तो मैंने क्या बोला, double apostrophe के साथ सेंटेंस में कभी भी double apostrophe का यूज नहीं होता है। तो करना क्या होता है, सेंटेंस को ऑपोजिट साइड से चालू कर देते हैं, यानी पीछे से चालू कर देंगे आगे की तरफ लाना, और पहले वाले लिविंग नाउन के साथ क्या लगा देते हैं हम लोग apostrophe। देख लो, चेक कर लो, पहले वाला लिविंग नाउन क्या था, मोहन, उसके साथ मैंने क्या लगा दिया, apostrophe s, और दूसरे काके के लिए मैंने किसका यूज कर दिया, of का। यहां तक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए होंगे शायद, मेरे को जितना लगता है। एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने, एग्जांपल क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, माय फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा हुआ है, मदर्स डेथ, मेरे फ्रेंड की माता की डेथ। अब आप लोग सही बताओगे कि सही करके लिखने का तरीका, पहले तो चालू कहां से करते हैं, पीछे से, तो मैं क्या उठा लाया, द डेथ, उसके बाद ऑफ, और पहले वाले नाउन के साथ क्या लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफ एस। तो दोस्तों आप लोग बता दोगे कि ये पहला एग्जांपल क्या है, गलत, और दूसरा एग्जांपल क्या है, ठीक। तो मैं ये मानता हूं आप लोगों को यहां तक का पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास को अपन यहीं ओपन करेंगे, ये अपोस्ट्रोफ खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा, जिसे कहते हैं अगर 100% अपोस्ट्रोफ पढ़ना हो तो उसका शायद 15% अपोस्ट्रोफ के दो तीन पॉइंट और पढ़ने पड़ेंगे अपन लोगों को। उसके बाद अपन लोग अब प्रैक्टिस सेशन चालू करने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को कहूंगा कोई भी किताब आपको लगाना चालू कर दो, नहीं है तो आप मेरे को WhatsApp टेक्स्ट करना, मैं आपको ईबुक अवेलेबल करा दूंगा अच्छी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और वरना सबसे बेस्ट है आप लोग मॉक लगाओ। मॉक का तरीका, जैसे अब आप लोगों ने नाउन पढ़ा, देखो मेरे को कैसे चेक करो कि मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक चीज बताता हूं जो कोई नहीं कहेगा कि मैं गलत बता रहा हूं। आप कहीं से भी पढ़ो, जैसे मैंने पढ़ाया आप लोगों को नाउन, अब आपको पता करना है ये सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो उसके लिए क्या करो, नाउन का एक मॉक लगाओ, या फिर SSC के नाउन के आए हुए जितने भी क्वेश्चन है वो लगा के देखो। अगर आपके 100 में से 80, 85, 90 क्वेश्चन ठीक होते हैं अप्रॉक्स, तो इसका मतलब आप लोगों ने सही पढ़ाई की है और सही जगह से पढ़ाई की है। और अगर आप लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं, तो पहली कमी हो सकता है आप लोगों ने सही चीजें नहीं समझी, हो सकता है मैंने आप लोगों को सही नहीं पढ़ा हो, तो जहां भी कमी लगे उसको सुधारो। आपने पढ़ाई नहीं की हो तो पढ़ाई करो, मैंने सही नहीं पढ़ाया हो तो मेरे को लीव करो, किसी और ट्यूटर से पढ़ो आप लोग, लेकिन अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कंटिन्यू रखो। और अगर आप लोगों के पास प्रैक्टिस बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपको पहले कहा था पर टॉपिक पूरा होते ही मैं यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा। मैंने भी अब बिल्कुल स्पीड बढ़ा दी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को रोज वीडियोज अवेलेबल कराऊं, ताकि अपन लोग एक दो महीने के अंदर सिलेबस काफी ज्यादा कवर कर सकें। तो ओके दोस्तों, थैंक यू। एक चीज और, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक शेयर करते रहना, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी कर देना, थोड़ा ठीक रहेगा, और कर रखा हो तो बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी अपन लोग मिलेंगे कौन सी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके दोस्तों, थैंक यू।